আল্লাহু আকবার আকবার। 10 মিনিটের নামাজে অমিত শাহের পেটে কেন ব্যথা হচ্ছে? শুক্রবার অমিত শাহের এত ঘৃণা কি শুধু উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনে জেতার জন্য? জুম্মার দিনে কোনো মুসলমানের ক্ষতি হলে তার জন্য দায়ী থাকবেন অমিত শাহ? রাস্তায় জুম্মার নামাজ পড়া নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची दी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार सनार तक तैयार कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको। रोड पर क्या क्या होता है, बता सकते हैं। पर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल कट रहा जाएगी। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है, एक फकीर उठा उत्तराखंड इलेक्शन को जीतने के लिए। इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं।